डियर स्टूडेंट, आज की डेट में हम थर्मोडायनेमिक्स का एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि जो आपका एंट्रोपी चेंज है उसकी वैल्यू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होती है। ठीक है जी, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो क्या करता है कि साइक्लिक प्रोसेस को क्या करता है, फॉलो करता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल बाई नेचर। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको क्या बताना, मैंने एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी, अच्छा तो हम जानते हैं कि जब भी कोई हम सिस्टम को स्टडी करते हैं उसके साथ आपका क्या होता है, सराउंडिंग भी होता है। तो ठीक है जी, और जो भी आपका जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा वो किसके अंदर होगा, सिस्टम के अंदर होगा, एज वेल एज क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो वी नो दैट द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज द सम ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज इन ए सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन ए सराउंडिंग। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर वन है। ठीक है जी, अच्छा साथ में हम ये जानते हैं, मान लेते हैं कि जो आपका क्या हुई है, आपकी जो आपको हमें पता है कि जो भी आपकी एंट्रोपी होती है ये क्या होती है, ये आपकी हीट एब्जॉर्ब और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइड बाई ए टेम्परेचर होती है। तो मान लेते हैं हम कि लेट, इसमें सिंपल सा लिख देता हूं थोड़ा समय, कि लेट क्यू रिवर्सिबल बी द हीट, बी द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिवर्सिबली। ठीक है जी, देन जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जो अब अगर क्या हुई आपकी, क्या हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम है रिवर्सिबली, देन ऑटोमेटिकली हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, बाय द सराउंडिंग विल आल्सो बी, वो भी क्या होगी आपकी, क्यों रिवर्सिबली, क्योंकि ये क्या करता है, साइक्लिक प्रोसेस को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है जी, अच्छा बोलता है कि अगर हम ये मान लेते हैं इफ द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस आइसोथर्मली, ठीक है जी, तो जो आपका एंट्रोपी चेंज है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हम जानते हैं, सिंपल सा लिख देते हैं हम कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि एंट्रोपी चेंज इन ए सिस्टम इज गिवन बाई चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, सिंपल लिख देता हूँ मैं कि जो डेल्टा एस सिस्टम है उसकी वो क्या होगा, एंट्रोपी क्या होती है आपकी, हीट एब्जॉर्ब और लॉस्ट आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय ये टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी इन अ सिस्टम। अच्छा ऑटोमेटिकली एक और बात है कि हमें पता है कि द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग विल आल्सो बिल गिवन बाई, सिंपल सा क्या जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। क्यों आएगी माइनस साइन, इसलिए आएगा कि इस केस में हीट जब एब्जॉर्ब होती है हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, जब क्या होता है कोई एक सिस्टम के अंदर हीट को क्या करते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारे पास उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है हीट का, और जब हीट लॉस्ट होती है तो हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो सिस्टम उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है और जो सराउंडिंग उसके अंदर हीट क्या होती है आपकी, लॉस्ट होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी आ जाएगा। तो हैंस सिंपल मैंने आपको बताया था कि टोटल एंट्रोपी चेंज क्या था आपका, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर
फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या आ जाएगा हमारे पास कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है जीरो आ जाती है। तो जो डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है जीरो के बराबर होती है। तो ये चीज़ हमें दो तीन कंक्लूजन देती है। पहला कंक्लूजन ये है कि जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है फॉर ए आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होती है जीरो होती है। दूसरी बात हमें ये बताता है कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है फॉर ए सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन रिवर्सिबल आइसोथर्मल चेंज इज अकर इट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। और इसे ये कह देते हैं कि इसके अंदर क्या होता है नो नेट चेंज इन एंट्रोपी होता है, नो नेट चेंज इन एंट्रोपी होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि आपका क्या होता है आपका एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा अब हमें इसी का सेकंड पार्ट पढ़ना है कि एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस कि एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी। तो बोलता है जब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपका क्या है इरिवर्सिबल बाय नेचर है। इसका कहने का मतलब क्या है कि एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ये तो हो ही गया। तो बोलता है कि सपोज द जो टोटल हीट लॉस्ट जो बाय द सराउंडिंग है उसकी वैल्यू क्या होगी इरिवर्सिबल होगी। क्योंकि जब भी आप उन सिस्टम को क्या करते हैं स्टडी करते हैं तो जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है तभी हम क्या कर सकते हैं उसको वर्क के अंदर उसको क्या बोलते हैं मैकेनिकल वर्क बोलते हैं जब हीट क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी। अच्छा यानी कहने का मतलब क्या है सिंपल सी बात यह है कि वी नो दैट कि जो डेल्टा एस सिस्टम होगा ना इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है क्यू रिवर्सिबल बाई टी होगी। अच्छा अब ये मान के चलो कि जो आपका उसके बाद ये किसके चेंज होता है सराउंडिंग के अंदर चेंज होता है और सराउंडिंग के अंदर लॉस्ट होती है और जो लॉस्ट हीट है वो फिर से क्या होती है साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है। तो उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या बोल देते हैं इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि जो डेल्टा एस सराउंडिंग है उसके अंदर जो हीट है वो क्या है इरिवर्सिबल बाई नेचर है। तो इरिवर्सिबल बाई टी आ गया। तो हमें पहले पता है कि जो टोटल आपका एंट्रोपी चेंज है चाहे वो रिवर्सिबल के लिए चाहे वो इरिवर्सिबल के लिए वो क्या है डेल्टा एस सिस्टम है प्लस वो क्या है डेल्टा एस सराउंडिंग है। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी। तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारे पास एक और वैल्यू ये हमारे पास वैल्यू आ गई पर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। अच्छा एक और बात हमें पता है कि जो भी वर्क डन होता है ना रिवर्सिबल प्रोसेस में वो क्या होता है मैक्सिमम होता है। वी नो दैट द वर्क डन बाई ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम। जब भी हीट क्या होगी एब्जॉर्ब होगी लॉस्ट होगी फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी फिर लॉस्ट हो जाएगी। तो अगर कोई भी जो प्रोसेस है अगर वो साइक्लिक प्रोसेस को क्या करता है फॉलो करता है या उसके अंदर हीट क्या रहती है रिवर्सिबल बाई नेचर रहती है तो उस केस में जो भी वर्क डन होता है वो आपका क्या होता है मैक्सिमम वर्क डन होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या कहने का मतलब हो गया कि जो वर्क आपका क्या है रिवर्सिबल है जो वर्क आपका क्या है रिवर्सिबल है वो ग्रेटर है वर्क ई रिवर्सिबल से ज़्यादा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कि जो आपका उसी केस में हमारे पास मैंने ये बोला कि जो वर्क डन आपका जो रिवर्सिबल है वो हम क्या होगा मैक्सिमम होगा। जब वो मैक्सिमम होगा तो ऑटोमेटिक जो वर्क रिवर्सिबल होगा वो हमेशा बड़ा होगा वर्क ई रिवर्सिबल से। अच्छा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू ये आ जाएगा फॉर रिवर्सिबल, और फॉर इरिवर्सिबल के लिए इरिवर्सिबल के लिए आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा, इससे ये पता चल जा रहा कि जो हमारा वर्क इरिवर्सिबल है वो छोटा है वर्क आपके रिवर्सिबल से, ठीक है जी। यानी सिंपल सा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब वर्क ये हो गया तो जो आपका हीट रिवर्सिबल होगी वो भी क्या होगी, हमारे पास हीट इरिवर्सिबल से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इस क्वांटिटी को, ये जो वैल्यू है, इसको बोथ साइड टेम्परेचर से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, 1/T और 1/2, यानी कहने का मतलब क्या, तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी एंट्रोपी हो जाएगी, क्योंकि जो हीट अब्जर्व और लॉस्ट वो आपका क्या है, एंट्रोपी है। तो हमारे पास क्या आ गया कि क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस इस साइड में क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एस सिस्टम है इसमें। अच्छा, और ये हमारे पास क्या है, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो बोलता है ये हमारे के लिए किसके लिए है, ये हमारा क्या है कि एंट्रोपी चेंज फॉर ई रिवर्सिबल प्रोसेस है। और बोथ जो हमारे बोथ जो दोनों एक्सप्रेशन है उनको हम कैसे लिख सकते हैं कि ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर ऑक्यूपाइड बाई नेट इंक्रीज एंट्रोपी एंड द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। तो बोलता है कि सिंपल सी ये बात बोलता है कि रिवर्सिबल के केस में इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। ई रिवर्सिबल के केस में क्या होती है कि जो आपकी जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। तो इससे ही पता चल जाता है, दोनों को कंबाइन करने हमारे पास आता है कि डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर बराबर है तो वो हमारा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो वो आपका क्या है, ई रिवर्सिबल प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ एक और टॉपिक आ जाता है, क्लेशियस इनइक्वालिटी, क्लेशियस इनइक्वालिटी। ये जनरली एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस का आगे का स्टडी है। क्या बोलते हैं, तो हमें पता था, वी नो दैट हमें क्या पता है, सिंपल सा हमें ये पता है कि फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है, सिंपली कि डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि जो हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वी नो दैट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी होती है, हमने अभी पढ़ा था। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू इरिवर्सिबल बाई टी आ गया हमारे पास। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसको मैंने ऐसे लिखना है, ठीक है जी। डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन
और ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गया क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो इसका मतलब क्या है कि डी एस सिस्टम इज ग्रेटर देन क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी। तो ये जो टर्म है ना, दिस टर्म इज कॉल्ड क्लेशियस इनइक्वालिटी। ठीक है जी, दिस टर्म इज कॉल्ड क्लेशियस इनइक्वालिटी।